हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आल एजुकेशन में एक और नई वीडियो के साथ। तो आज का जो अपडेट है HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप पोस्ट और वैकेंसी निकाला गया था, जिसके ऊपर हम जो वीडियो बनाए थे 290 पोस्ट पर जो वैकेंसी निकाला गया था, ये जो पोस्ट था ऑल इंडिया के लिए निकाला गया था। तो उसका जो है लास्ट डेट आज के डेट में था 12/12/2022 को, जो यहाँ पर लास्ट डेट था इसको जो डेट को बढ़ा दिया गया है। जो कैंडिडेट अभी तक फॉर्म को नहीं फिल किए होंगे वो लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, उनके लिए जो यहाँ पे 1 वीक का जो यहाँ पे डेट बढ़ा दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताते हैं, कब तक जो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, किस स्टेट में कितना वैकेंसी वगैरह निकाला गया था, एक बार और जो आपको रिवाइज कर देंगे ताकि जो लोग भी फिल नहीं किए होंगे वो लोग ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बता दें, इस पर दो तरीके का अप्रेंटिसशिप है, एक जो है आपका ओनली 10th के बेस पे है और एक जो है आपका ITI के बेस पे है। अगर आप ITI किए हैं तब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप केवल नॉर्मल 10th पास है, बिल्कुल जो 10th पास है तब भी फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कोई भी आपका यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी आपका यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही कोई आपसे जो यहाँ पे फीस लिया जाएगा, बिल्कुल जो है आपको फ्री में फॉर्म को अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन का जो है वीडियो बना चुके हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप देख करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। बिल्कुल फ्री में जो है आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और कोई भी आपको एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट बेसिस कराया जाएगा। इसमें जो है ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जो है इसका जो है नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं, किस किस स्टेट में वैकेंसी वगैरह निकाला गया, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरा A to Z आपको इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। ये देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको जो है करियर के ऑप्शन में चले आना है। आने के बाद से यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो यहाँ पे देखिए यहाँ नोटिफिकेशन है, एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप खेतरी राजस्थान कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अंडर द एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961। इसमें जो है हिंदुस्तान, देखिए यहाँ पे जो खेतरी जो है कॉपर कॉम्प्लेक्स है राजस्थान में, वहीं से जो अप्रेंटिसशिप पोस्ट वैकेंसी निकाला गया था। ये वैकेंसी जो आपका निकाला गया था और 22 नवंबर 2022 को अपडेट किया गया था, ऑनलाइन स्टार्ट था, जिसका जो अपडेट बढ़ाकर देख सकते हैं यहाँ पे 19/12/2022 कर देगा। ये जहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहाँ से जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको जो यहाँ पे पहले न्यू नोटिफिकेशन आया उसको दिखा के फिर जो डिटेल वाला वीडियो जो डिटेल नोटिफिकेशन है इस ये वाला जो आपको दिखा देते हैं। चलिए आपको पहले न्यू नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ से अपडेट वगैरह आए, नोटिफिकेशन आए, जॉब्स रिलेटेड, अप्रेंटिसशिप रिलेटेड, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देख सकते हैं ये जो है आज के डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसका 12/12/2022 ये जो आपका सिलेक्शन होगा, आपका यही एड्रेस है, इसी एड्रेस पर जो आपका ट्रेनिंग कराया जाएगा झुंझुनू जो यहाँ पे है खेती राजस्थान का। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन बताया गया है, इसमें जो आपको बताया गया था इसका जो नोटिफिकेशन निकाला गया था 21/11/2022 को अप्रेंटिसशिप पोस्ट पर। बाकी इसमें जो ये बताया जा रहा है कि इट इज़ ईयर हेयर वाई इन्फॉर्म डेट द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन इज एक्सटेंड फॉर द पीरियड 1 वीक। इसमें जो एक वीक के लिए, जो एक सप्ताह के लिए जो यहाँ पे डेट बढ़ा दिया गया ऑनलाइन अप्लीकेशन का, जिसमें जो है देख सकते हैं द एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑन कंपनी वेबसाइट। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी वेबसाइट हिंदुस्तान जो है आपका यहाँ पे कॉपर का, उसका जो वेबसाइट है इसी से आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, जो कि आप 19/12/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम बता भी चुके हैं। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक और यहाँ पर डिटेल का वीडियो का भी लिंक दे देंगे और पूरा जो है आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। चलिए एक बार और डिटेल वाला वीडियो आपको दिखा देते हैं, जो इसका नोटिफिकेशन है डिटेल वाला उसको आप दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो डिटेल वाला नोटिफिकेशन है, जो कि निकाला गया था 21/12/2022 में, यहाँ जो देख सकते हैं किस किस स्टेट में निकाला गया था। तो ये जो वैकेंसी है आपका जो है ये जो है 10th के लिए मेट माइन का है और ब्लास्टर माइंस का है, यहाँ पे माइन का है, जो कि ओनली 10th पास जो कैंडिडेट है उनके लिए अप्लाई इसमें जो है वैकेंसी निकाला गया, अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें देख सकते हैं 2 ईयर का आपका ट्रेनिंग होगा ब्लास्टर माइन का, जिसमें यहाँ पे 100 पोस्ट है। बाकी जो यहाँ पे मेट माइन का यहाँ पे 3 ईयर का ट्रेनिंग हो, 3 साल का ट्रेनिंग कराया जाएगा, इसमें जो 60 पोस्ट है, इसमें आपका ITI कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो देख सकते हैं बाकी ये जितना ट्रेड है, डीजल मैकेनिक, फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ड्राफ्टमैन, सिविल मैकेनिकल, ये सभी जो 1 साल का ट्रेनिंग होगा। बाकी जो है आपका सीट देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, और इसमें जो 10th के साथ साथ आपके पास ITI के सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT या SCVT, इन सभी ट्रेड में टोटल जो यहाँ पे 290 पोस्ट वैकेंसी निकाला गया। और भी यहाँ पर ट्रेड देख चेक कर सकते हैं आपके जो कैटेगरी में सीट है या नहीं है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं और भी इन्फॉर्मेशन दिया गया जिसको आपको पढ़ लेना है। इसमें जो है आप 2019 के पहले के जो है पास आउट है, जैसे 18-17 का, तो आपको एफिडेविट वगैरह बनाना पड़ता है, जिसमें आपको बताना है कि हम कहीं भी रोजगार नहीं किए हैं, ना ही कहीं अप्रेंटिसशिप किए, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। बाकी डिप्लोमा और BA और जो इसके हायर क्वालिफिकेशन वाले इसमें एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। और हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं
ट्रेनिंग यहाँ पर स्टाइपेंड के बारे में बताएगा, जो कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा आपको। ट्रेनिंग 1 साल का रहेगा। सिलेक्शन जो होगा आपका, जो यहाँ पे 30% जो है 10th में से लिया जाएगा और आईटीआई में से 70% लिया जाएगा। बाकी जिन जो कैंडिडेट माइन ब्लास्टर में मेट माइन में भरेंगे उनका जो है 100% वेटेज जो आपका 10th में से ही लिया जाएगा। किस तरीके से कट ऑफ बनता है इसके डिटेल के ऊपर हम वीडियो बनाए थे, उसमें आपको डिटेल में बताएं, आप चेक कर सकते हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप देख सकते हैं फॉर्म अप्लाई का ऑनलाइन का लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसका जो मेरिट लिस्ट आपका जारी करने का जो टेंटेटिव डेट है, डेट था 31/12/2022 था। अब जो ये यहाँ पे कुछ घट बढ़ भी सकता है, लेकिन जो इसमें लास्ट जनवरी तक जो है आपका 100% ये आ जाएगा। जितना भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय।